आप सभी का अंशु रावत ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों मैं ही बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 10 बजे से, और आप सभी को सबसे पहले जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे नहा धो के तैयार, और थोड़ा मैं जा रही हूँ यहाँ पे अपने गाँव के मंदिर में, जहाँ मैंने कल का ब्लॉग बनाया था, जो वहाँ मंदिर में जा रही हूँ। मतलब सुबह तैयार होकर जा रही हूँ, केवल मैं पूजा पाठ करने जा रही हूँ, बाकी प्रोग्राम तो शाम को होंगे। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मेरे ब्लॉग को देखते रहिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिए अपने लिए कपड़े। मैं पहनने वाली हूँ येलो कलर का लहंगा, उसके साथ पहनने वाली हूँ मैं क्या बोलते हैं पिंक कलर की ज्वेलरी, और ज्वेलरी का इयररिंग और बैंगल्स, और यहाँ पे मांग टीका भी रखा है, और यहाँ पे गले का नेकलेस भी रखा है छोटा सा। तो मैं ये सब पहनने वाली हूँ अभी। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, पहले मैं तैयार होने वाली हूँ। पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है, वहाँ पे दादाजी के सामने बत्ती जला ली है, मतलब धूप वगैरह जला ली है भगवान जी के सामने भी। तो दोस्तों अभी मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं जाने वाली हूँ मंदिर में, तो मेरे ब्लॉग को देखते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ तैयार, और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर में धूप बत्ती जलाने के लिए। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं आगे, चलते हैं मंदिर में। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पे रास्ते तो भयंकर हो रखा है ना, सच में चलने में डर लग रही है मेरे को। डर तो क्या, मेरा ऊपर नीचे से तो मैं चप्पल पहन रखी है, ऊपर से तो मैं अच्छे से तैयार हो गया, क्योंकि नीचे से मैंने स्लीपर पहन रखी है। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर में, और आपको पता है मंदिर में कोई होगा तो ठीक है, मतलब मेरा वीडियो पकड़ने के लिए, फोन पकड़ने के लिए, मतलब कोई है भी नहीं मंदिर में शायद, क्योंकि मेरा भाई भी गेम्स में चला गया खेलने के लिए। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ, तो अगर मंदिर में कोई होगा तो मैं दिखाऊंगी आपको, और मैं कैसी लग रही हूँ तब बताऊंगी दोस्तों की, तब कमेंट में भी बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, अगर कोई मिल गया फोन पकड़ने के लिए। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग में बने रहिए। लगता है मंदिर में कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ही जाती हूँ इधर से, और अगर वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो फोन को एक सामने रख लूंगी और फिर करूँगी मैं व्लॉगिंग। तो अभी जा रही हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे टेंट वेंट लग गया है, और यहाँ पे भी एकदम से तैयारियाँ चलने वाली है, मतलब चलने लग गई है। तो चलते हैं नीचे मंदिर में। और यहाँ पे दरवाजा बंद है। जेठो गांव से भी आ रखे हैं ताई जी, चाची जी, और मतलब और अभी आज मंदिर में जा रहे हैं।
दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर से और अभी मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि अभी यहाँ पे कीर्तन नहीं होंगे। कीर्तन होंगे दिन में और फिर रात को भी होंगे, दो टाइम होंगे कीर्तन। तो अभी मैं जा रही हूँ घर कपड़े चेंज करने के लिए, और कपड़े चेंज से थोड़ा रील बनाएंगे और क्या बोलते हैं मिनी ब्लॉग भी बना रखा है मैंने सुबह, तो मिनी ब्लॉग को भी थोड़ा ऐड करूंगी इसी वीडियो में, इसी वीडियो में थोड़ा मिनी ब्लॉग के लिए वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बने रहिए, आज का ब्लॉग मतलब बहुत खतरनाक होने वाला है। तो पहले जा रही हूँ मैं घर, तो फिर मिलते हैं आप दिन में, कीर्तन का वीडियो बनाऊंगी सीधे, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं आगे मेरे ब्लॉग में, बने रहिए दोस्तों। दोस्तों आपको पता है यहाँ पे इतनी भयंकर बारिश हुई थी ना जब हम कीर्तन कर रहे थे, और देखिए यहाँ पे कितना मस्त और का मौसम अब साफ हो गया है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे इंद्रधनुष है थोड़ा सा है, अभी इंद्रधनुष लग रखा था पर अब बंद हो गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दो इंद्रधनुष है, एक ये पर एक ये रहा, एक वो रहा, दो लग रखी, दो आ रखे है यहाँ पे, तो रेनबो मतलब पूरा आ रखा है। तो मैं अपन आपको दिखाती, तो दो आ रखे है और यहाँ पे इतना मस्त हो रखा है मौसम, यहाँ पे हल्की हल्की से बारिश हुई, क्योंकि कहते हैं ना कृष्ण जन्माष्टमी में बारिश हमेशा पड़ती है, तो जब हम भजन कर रहे थे इतनी भयंकर बारिश हुई। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर, तो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया है टाइम 6:30 बज गए हैं, और आपको पता है इतना मजा है ना कीर्तन भजन का है, हमने 2 बजे चले गए थे मंदिर में। आपको पता ढोलियों के बजा बजा के तो मेरे हाथ भी देख सकते हैं लाल हो रखे हैं यहाँ पे, तो ढोलकी बजा बजा के बहुत मजा आया। वैसे बहुत चिल्लाए हम, बहुत गाना गाए, मतलब कीर्तन गाए हमने, बहुत धूमधाम से हुआ। हम तो रात वाला सीन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा रिखणी खाल में बाघ का डर है, इसलिए यहाँ पे रात वाला सीन नहीं हो रहा है, इसलिए हम वहाँ पे मंदिर से सारे ढोलकी चिमटे लेके आ गए हैं। पिछली बार जब जन्माष्टमी हुआ था हम सभी रात को गए थे, लेकिन इस बार रात वाला सीन नहीं है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखना और मेरे ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों।